अदरवाइज तो 18 साल से तो कंपनी लेकिन देखो, आप पहले वीडियो में मुझे एक वीडियो मिला ना आपका, जिसमें आप ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे मंत्र करे और फिर भी आर्थिक और ये समस्याएं रही, काम कुछ नहीं रुका, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। तो मैं सोचता था यार, आदमी बात लॉजिकल कर रहा है, पर ईश्वर इच्छा के ऊपर छोड़ा था कि कभी ना कभी अगर आप मेरे प्रारब्ध में हैं कि भाई मुझे शिष्य बन के आपके सामने कुछ सीखना है, तो ईश्वर ऐसे निमित्त बनाएंगे और हम आपके सामने हैं। मेरे दादाजी या उनके फादर, उनके बारे में ये कहा जाता था। मतलब मेरी बुआ जी जो है वो बताती थी कि नवरात्र में जब वो अग्यारी करते थे तो जी सिर्फ हाथ जो है वो जो हवन कुंड था उसके आगे रख के और कुछ ध्यान करते थे और अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो जाती थी। ऐसे हमारे ये जहां आप गए थे ना पालनपुर में, तो अच्छा जहां अम्बा जी का मंदिर है, अम्बा जी के मंदिर से करीब 16-17 किलोमीटर आगे जाके पालनपुर साइड पे, वहां पे भी एक बड़े स्वामी जी हैं। तो वो मेरे अच्छे परिचय में हैं, तो वो भी अग्नि ऐसे ही जला देते हैं, रू रख के ऐसे सूरज की तरफ देख के अग्नि प्रज्वलित हो जाती। वो स्वामी जी मेरे गुरु जी के आश्रम को जानते होंगे। हाँ वो जानते होंगे, मैंने कभी उनसे, अभी मेरा परिचय अयोध्या की परिक्रमा में थे वो, फिर उसके बाद में नहीं मिलने गया। अभी उनको थोड़ा सा हार्ट, उस क्षेत्र में ना वैसे बड़े चमत्कारी स्थान है। माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है ना वो, अब देखो ये जैनियों का भी अच्छा जितना भी सारा वो है उनके भी पुराने पुराने जो पौराणिक स्थल हैं वो भी वही उसी माउंट आबू की उसमें ही है, जड़ में ही है सारे के सारे। वो जगह में बहुत चमत्कार है, बहुत सिद्ध क्षेत्र है। खैर, तो हवन में जब मैंने ये चीज मुझे पता चली, छोटा था मैं, तो मेरी बुआ जी ने मुझे बताया कि ये हवन जो है वो उसमें मतलब अग्यारी करने से पहले वो पूरी तैयारी करके हाथ ऐसे करते थे आगे, और हाथ करने के बाद में जो है इमिजिएटली जो है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो मैंने क्या करना शुरू करा था कि जैसे कोई भी अग्यारी करे मैं हाथ को ऐसे ही रखता था जैसे वो रखते थे जमीन के ऊपर, वो जलाना पड़े नहीं जलाना पड़े। तो ये बचपन से मेरे को उस चीज का ध्यान है। तो लेकिन ये स्वामी जी ने, जब ये अपने दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने एक वो किया था, ऐसा अनुष्ठान किया था, धार्मिक अनुष्ठान किया था। तो चारों पीठ के शंकराचार्य थे, वो सब लोग थे। स्वामी जी ने अपने जीवन में करीब 30 से 40 साल हाथी चलाया है पूरे उसमें भारत में, और वो जो उसको कुछ उनका प्रोटोकॉल था कि भाई इतना दूर चल जाना है, जो मिल जाएगा खाना है, तो वो उससे करते 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 जाके वो हाथी आके वहां पे बैठ गया, और बैठने के बाद उसने का प्राणांत वहीं हो गया। तो जब उसका वहां प्राणांत हो गया, तो फिर स्वामी जी के बारे में लोगों को, अब वहां आसपास के लोगों को जानने का मौका मिला, तो वहां पे जीरा व्यापारी बहुत हैं। तो मान लिया 1 बीघा में 1 साल की फसल होती है 40 लाख 30 लाख इस तरह से, 1 बीघा में। तो वो वहां पे वो डिफरेंट काइंड का वो है प्रोडक्शन, और उस क्वालिटी का जीरा मिलता भी नहीं है कहीं। हाँ, ये क्षेत्र सारा जीरा का है ना। तो वो उन्होंने, वहां के एक जीरा व्यापारी थे, और उनका बेटा जो था इनकम टैक्स में था, यहाँ पे अहमदाबाद में बड़े ऑफिसर थे, सबसे बड़े ऑफिसर इनकम टैक्स के। तो उनके साथ उनका परिचय हुआ, तो उनका कोई काम रुका हुआ था, तो स्वामी जी ने कहा कि लो कुछ दे दिया, तो वो हो गया। तो फिर वो करीब उनको 40 एकड़ जमीन दिया हुआ है। दुर्गा का, अम्बा जी का मंदिर है, देवी मंदिर है, राम की मूर्ति है, शिवलिंग स्थापित है। मेरे बड़े अच्छे परिचय में है, मुझे पहले दिन मिले थे, मुझे गले लगा के मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बहुत अच्छे परिचय में, और एकदम स्नेही व्यक्ति है। वहां पे आश्रम में जाते हैं तो खाना वाना खा के बच्चे खेलते रहते हैं, मैं तो उनके साथ ऊपर जाके उनके कक्ष में बैठ जाता हूँ, सत्संग करते रहते हैं।
ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति है कि साथ बैठ के आपको लगेगा कि भाई इस व्यक्ति के आसन से नीचे बैठना चाहिए, कुछ मिलेगा जरूर। जी बताइए, आज हम प्राणोपनिषद के सेकंड वाले क्वेश्चन पे जाएं कि क्या करें, क्योंकि वो तो मैंने वहां तक तो पढ़ लिया, आप क्वेश्चन वो तो पूछो, मैं पानी। आंसर कर दूंगा। मतलब मेरे लिए तो वो खत्म हो चुका पूरा पार्ट, पर आप क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर करूंगा ना। तो व्हाट इज लिविंग बींग, जी सेकंड में ये है, जी बताइए। फोर डाइटी पावर्स। जो आपने पढ़ा है वो बताइए ना मुझे, फिर मैं उसमें क्लैरिफाई करूंगा। नहीं, मेरा तो पहला ही क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, मैंने सेकंड की तरफ नहीं देखा, अभी देख नहीं पाया। फिर तो मैंने जब जो जो दुर्गा सप्तशती पढ़ी थी तो उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे पे मुझे ये पार्ट बताइए बता दिए। आपने पढ़ा क्या है। वैसे भी ये हमारी क्लास में प्रश्नोपनिषद जो है उसके वो 6 पॉइंट्स हैं बस, अच्छा, उसकी तो बस फिर डिटेलिंग तो करना जो है वो मतलब ये हीलिंग करने के लिए ये प्रोसेस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो उसका एक पार्ट, क्योंकि मैं प्राण पे आधारित सारा काम कर रहा हूँ, तो प्राण जो है वो वहां से ओरिजिनेट हुआ फिर है, उस दिन जब जिस प्रश्नोपनिषद से। दिन प्रश्नोपनिषद का लेक्चर चल रहा था तो रई और प्राण डिस्कस हुए, फिर रई का मूवमेंट के लिए रिगार्डिंग आपने बताया, फिर उसको आपने नवग्रह से जोड़ा, फिर एक दिन जो आया था वो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में, फिर हमने उनके आगे के वो लिखे थे, और फिर उसमें एक कॉमन एलिमेंट आया था आकाश, फिर ऐसे करके नौ बनाए थे, फिर नौ को आपने उनको नौ नौ ग्रह के साथ जोड़ा था। जी तो इसमें कौन सा ग्रह किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, या ग्रह अलग चीज है, और ये जो नौ चीजें निकल के आई, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, काल आत्मा मन, और काल आत्मा मन और एक और है दिशा, दिशा, सॉरी, काल आत्मा मन और दिशा, तो ये नौ चीजें आई थी। तो ये क्या इन नवग्रह के साथ डायरेक्ट लिंक्ड हैं, या ये जो चीजें हैं ये हमारे इस पिंड में होती हैं, शरीर इन्हें शरीर से ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं, और नवग्रह एक अलग चीज है। नहीं ये सारी जुड़ी हुई हैं, एक सेकंड बता रहा हूँ। देखिए मेन क्या है, एक ऐसा पक्ष है जो सब लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे। वो पक्ष क्या है कि हमारे यहाँ जो ये प्राण रही जो है, इसके संबंध सोलर सिस्टम से है और अखिल ब्रह्मांड से है। ब्रह्मांड की भी तीन फंडामेंटल डोमेन्स है। पहला डोमेन है उसका ब्रह्मांड की सृष्टि, फिर स्थिति, फिर संहार। तो इस प्रकार से जब हम इस ब्रह्मांड को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक असीम ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हम इस ऊर्जा का सम्मिलित स्वरूप का एक अंश अपने भीतर ग्रहण करते हैं। उस ग्रहण करने से हमारे शरीर के भीतर सारे परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के बाद वो ऊर्जा हम कितनी देर अपने शरीर में रोक पाते हैं, ये एक प्रश्न है। जी जब तक हमारी ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें वो ऊर्जा दे देता है। जी तो मैंने उसका जो प्रत्यक्ष संबंध देखा वो 9 ग्रहों से देखा। तो 9 ग्रह जो हैं वो मेरे शरीर के बाहर की ऊर्जा है। दूसरा जी पार्ट आया,
ऊर्जा जो है मेरे शरीर में जो मेरे चक्रास हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो शरीर में ऊर्जा रुकना जो है वो मेरे चक्रों पे आधारित है। वो मेरे चक्रों पे आधारित है। जब मैं अपने चक्रास के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करता हूं तो मैं देखता हूं कि ऊर्जा का ड्रेन भी मेरे आसपास हो रहा है। वो ऊर्जा का ड्रेन जो है वो दिशाओं के माध्यम से हो रहा है। तो 9 ग्रह हैं, 9 चक्र हैं और 9 ही दिशाएं हैं। अच्छा, जैसे ये है, आपने बोला ड्रेन, इसको छरित बोलेंगे ना, ऊर्जा का जो हाँ क्षरण हाँ होता जी है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल यही है यही है। है, तो जो हमारा प्राण हमारे शरीर में आता है श्वास प्रश्वास के कारण, तो जब आपने बताया था कि पृथ्वी के जिस जगह पर हम हैं वहां से एक तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा का आ रहा है, एक चंद्रमा का सॉरी सूर्य का, फिर चंद्रमा पे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर अलग अलग ग्रह पे ऐसे करके रिफ्लेक्स के रूप में आ रहा है। तो यहां से जो हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये उनके कलर कॉम्बिनेशन से या उनके रिफ्लेक्शन से जो हमारे पास ऊर्जा वो आती है तो उससे एनर्जाइज होता है। हमारी सांस जो चल रही है वो इस नवग्रह या ब्रह्मांड की वजह से चल रही है। प्राण तो यही उत्पन्न कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ उसको द्वादश आदित्य कहते हैं। मतलब द्वादश आदित्य तो सुना है, द्वादश आदित्य और सूर्य के, हाँ सूर्य के लिए प्रयोग करते हैं ना। द्वादश आदित्य में एक आदित्य विष्णु को भी कहा गया है। विष्णु का मतलब अखिल ब्रह्मांड, विष्णु का मतलब ही अखिल ब्रह्मांड स्वरूप है। ये तो एक वैसा प्रश्न हो गया ना कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। सोलर सिस्टम तो पृथ्वी से बड़े और छोटे दोनों ही अवेलेबल है ना। पृथ्वी में ही ये विलक्षण गुण क्यों है कि यहाँ पर जीवन है इस हमारे इस काल में, बाकी सारे उसमें जीवन अभी तक नहीं दिखा, वहां जीवन की तैयारी कर रहे हैं। ये क्यों इसके पास में इतना पैसा है, क्या नाम है इसका, ये अडानी, नहीं, ये तो बच्चे हैं, ये अरे जिसने वो गाड़ी बनाई है बिजली से चलने वाली, टेस्ला। अच्छा टेस्ला। टेस्ला का मेन काम जो है जिसको वो बोल रहा है कर रहा है वो मार्स पर लेकर जाने के लिए रॉकेट है। तो उसका बिजनेस मॉडल ही इस बात के ऊपर बेस्ड है कि अगर दुनिया किसी भी स्थिति में जो है निमट रही होगी तो मैं आपको रॉकेट में बिठा के मार्स पे ले जाऊंगा और मार्स पे जो है पृथ्वी जैसा जीवन हम तैयार कर सकते हैं। पृथ्वी जैसा जीवन है नहीं बट वहां पे उसको तैयार करा जा सकता है। आप पहले जाके अपनी अडेप्टेबिलिटी चेक कर लो कि किसी स्थिति में जो है पृथ्वी पे ऐसा हो कि सब लोग एक दूसरे को न्यूक्लियर बम मारे तो आप उस स्थिति में मेरे साथ में वहां चल सकते हैं। उसका तो बिजनेस मॉडल ही है। जब हम यहाँ पे पृथ्वी पे ही जीवन के बारे में सोचते हैं, तो क्या ये सारा का सारा घटनाक्रम, एडेप्टेबिलिटी जो जीवन की आई, ये ईश्वर रचित थी? ऑब्वियसली उसके अलावा कौन है, दुर्गा सप्तशती यही बताती है। और दुर्गा फिर जो सप्तशती में हमारा जब आप चंड मुंड को देखते हैं तो चंड मुंड जो है वो प्रक्रिया में यही काम कर रहा है। आप चंड लिखिए च ण ड ऐसे करके चंड लिखा जाएगा, मुंड लिखिए म ऊ की मात्रा, अणा और ड लिखा जाएगा। हाँ वही लिखा मैंने। अब इन दोनों को जब आप अपने सामने रखते हैं तो इन दोनों का जिसने नाश करा उसको चामुंडा कहते हैं। ये लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, लेकिन ये दोनों हैं क्या? वही वही मैं पूछने वाला था।
ये दोनों है क्या? क्योंकि देवी के हमें तो सामने इतना पता है ना कि पहला चंडी राक्षस थे, उन्होंने मार दिया, संहार कर दिया। अच्छा, मारने में और संहार करने में क्या अंतर होता है? तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, चंड और मुंड के हिसाब से देवी के सामने जो पहली समस्या आई वो आई जीवन की रक्षा करने की। जीवन की रक्षा का ओरिजिनल पॉइंट था ब्रह्मांड की रचना। तो ब्रह्मांड की रचना कौन से मटेरियल से हुई? अब ब्रह्मांड को एक अंडा मान लीजिए ना, तो ब्रह्मांड अगर देवी ने उत्पन्न करा तो अंडे का जो खोल जो था और अंडे की जो शेप थी वो चंड और मुंड है। तो अंडे का खोल चंड है और अंडे की शेप मुंड है, मैं हाँ ऐसा मानू? यही अच्छा। है, ऐसा मान लो, नहीं ऐसे ही है। इसके अलावा कोई और अर्थ लगाता है कोई तो आई डोंट नो। मतलब जो मेरे को समझ में आया वो कि ये तो बहुत गूढ़ रूप से कॉस्मोलॉजी का प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है देवी की समस्या कि वो अंडा जो है। बहुत बार लोग बात करते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो तमाम दुनिया में जब ये प्रश्न चला तो बोले कि जिस खोल से अंडा बनता है वो खोल मुर्गी के अंदर ही उत्पन्न होता है, तो वो बाहर है ही नहीं, तो बाहर से नहीं हो सकता काम, इसलिए पहले मुर्गी आई अंडा नहीं आया। तो अब ये वाली बात अलग अलग हो गई कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। अब अंडा जो था उसकी विशेषता क्या थी, अंडे का मटेरियल और अंडे की शेप कैसी हो, क्योंकि वो तो एक तरीके से हम कह रहे हैं ना, वो तो देवी से बाहर आ रहा है ना अंडा, तो वो जो पार्ट है। अब वहां यहां पर वो हाईलाइट ये कर रहे हैं कि वो भेदन कौन करेगा। मुर्गी का अंडा जो है वो बाहर से ही भेदा जाता है, अंदर से नहीं भेदा जाता। तो जिसको बनाया ही महालक्ष्मी ने स्वयं, उसका भेदन कौन कर सकता है? तो वो जितने भी देवता वहां पर रोते गाते हैं वो उसका मतलब ही है कि ये हमारी शक्ति से बियॉन्ड है। इसका भेदन देवताओं की शक्ति से मतलब उसके संभव नहीं है। उनके लिए संभव नहीं है, उसकी ऊर्जा और ज्यादा लगती है। तो अंडा और उसका भेदन, ये दो चीजें बहुत विलक्षण मीनिंग रखती हैं। और इसलिए मतलब ये कहानी को एक एक पार्ट को पढ़े, उसके अर्थ में देखे, छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं, तो इस तरीके से ये कोई पॉइंट कोई नहीं शेयर करेगा। लास्ट में जाइए, शुंभ निशुंभ का वध देखिए। तो जब शुंभ का वध होता है तो उन्होंने बोला नदियां पूर्ववत ऊपर से नीचे की तरफ बहने लग गई, ये उसमें लिखा हुआ है। आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा कि लास्ट चैप्टर जो 10वां चैप्टर है वहां पर ये बकायदा लिखा हुआ है कि शुंभ के निशुंभ के वध के बाद में जो है नदियां पूर्ववत ऊपर से नीचे बहने लग गई। ये लाइन लिखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? नदियां तो ऊपर से नीचे ही बहती हैं, ये लाइन लिखने की आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब कि नदियां जो है ऊपर से नीचे नहीं बह रही थी। और जब नदियां, या नदियां उस समय नहीं थी, नहीं, नदियां नदियां उस थी। समय नदियां तो होंगी, वरना नाम क्यों लिखते? हाँ ऐसे तो ठीक। बहुत सारी चीजों के नाम लिखने होते हैं ना। तो उन्होंने वहां पर लिखा कि नदियां पूर्ववत पूर्ववत ऊपर से नीचे की तरफ बहने लग गई। इसका मतलब ये होता है पानी ऊपर से नीचे कब नहीं आता, जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फर्क होता है। आप बाल्टी में पानी भरिए और वो बाल्टी को जोर जोर से घुमाना शुरू करिए, पानी जो है नीचे गिरेगा ही नहीं, पानी तली की तरफ चिपका रहेगा। तो
पृथ्वी का जो ये स्पीड जो था जिस पर कि ये सारा का सारा रोटेशन रेवोल्यूशन चल रहा था, उसकी स्पीड को किसने ऑप्टिमाइज करा? ये शुंभ निशुंभ का वध है। जो हमारी रोटेशन और रेवोल्यूशन की स्पीड जो है, किसने उसको ऑप्टिमाइज करा, स्टेबल करा, कि आज लाखों करोड़ों साल से पृथ्वी वैसे ही घूम रही है अपनी धुरी पर। भाई अगर आप ये कहते हो कि मैं एक लट्टू चलाता हूँ, लट्टू में आपने रस्सी बांधी उसे चलाया और वो चल रहा है, घूम रहा है, तो जो घुमाने वाले की शक्ति है अगर उसका अंदाजा लेना है तो आप देखो कि ये लट्टू कितनी देर घूमता है। तो पृथ्वी तो करोड़ों वर्षों से घूम रही है, घूम रही है। तो उस ईश्वर की शक्ति का अंदाजा लगाइए जिसने एक दफे लट्टू को घुमाया तो करोड़ों वर्षों तक लट्टू घूम ही रहा है। तो जब आप पृथ्वी पे पैर रखें और वहां पर पैर रखते ही आपको देवी का ध्यान आए कि देखो ये घूम रही है तभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, चल रहा हूं, सांस ले पा रहा हूं, क्या महान शक्ति होगी। ऐसे करके मतलब इसके एक-एक पक्ष को देखा जाता है। अब क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवेश करता है वो साइंटिफिक प्रवेश वहां पर नहीं होता, जो ट्रांसलेशन है वो नहीं, पर यहीं पर गलती है पूरे प्रोसेस में कि वेद का एक वैज्ञानिक स्वरूप है, उस वैज्ञानिक स्वरूप को छोड़कर सब कुछ बातें करी जा रही हैं। यहां तक कि ये आर्य, मतलब मुझे आर्य समाज इसलिए नहीं पसंद बिकॉज आर्य समाज के अंदर वैज्ञानिक स्वरूप पे बात करने के लिए भी कोई नहीं तैयार है। आर्ष पद्धति में एक दफे मेरे साथ में एक थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि अपनी बेटी को आर्ष जो कन्या विद्यालय है उसमें डाले। हम गए मेरठ के पास में, मुरादाबाद की जगह, वहां पर पाग बाड़ा के पहले एक गुरुकुल बना हुआ है और वहां पे तमाम दुनिया अवार्ड देने आती है, वो है वो लड़कियों को वहां पे रखते हैं, उनको हवन करना और ये सारे संस्कार सिखाते हैं। मैंने उनसे उनका सिलेबस मांगा, सिलेबस मांग के मैंने पूछा कि दिखाइए मेरे को सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें कोई भी साइंस का वो ही नहीं था। तो मैंने कहा इसमें साइंस थोड़ी है कहीं भी लिखा हुआ, साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। बोले तो साइंस थोड़ी पढ़ाते हैं हम तो संस्कार पढ़ाते हैं। मैंने कहा मुझे ऐसे संस्कार चाहिए ही नहीं जिसमें साइंस ना हो, बच्चों को जो है क्या बनाना चाह रहा हूं मैं। बोले अरे आपको इसका महत्व नहीं पता संस्कारों का। मैं उससे क्या बहस करता कि जिसको साइंस का महत्व नहीं पता वो संस्कार का महत्व क्या बता सकता है मेरे को। सो परेशानी वहां पर है। अब ये मैं क्यों बोला पूरा पार्ट, बिकॉज उसने टर्म यूज करी हम हवन करना सिखाते हैं। मैंने कहा जिसको ये नहीं पता कि यज्ञ में प्रधान ज्ञ जो है वो ग और य है और या ही अग्नि तत्व है, वो मुझे यज्ञ का महत्व तो क्या समझाएगा। अग्नि स्वयं यमराज है, इसका अर्थ ही ये है या पे अंक की मात्रा, मतलब अगर आप श्रीम यम श्रीम से हवन करना शुरू करोगे अग्नि 2 फुट ऊपर चली जाएगी। आप जिस भी मंत्र से हवन करते हो आप श्रीम यम श्रीम से हवन करना शुरू करो और फिर आप देखो कि वो अग्नि कितनी ऊपर होती है। मैं तो एक दफे जो है घर में हवन कर रहा था, तो घर में सब जने बैठ के हवन कर रहे थे, कुछ काम चल रहा था तो मैं बार बार बीच में आके आहुति दे देता और फिर अपने काम पे चला जाता था। मैंने जैसे ही मेरा ध्यान गया मैंने कहा मैं जितनी देर अलग हट रहा हूँ उतनी देर अग्नि जो है वो 1 फुट की है, और जैसे ही मैं हवन करने आया अग्नि फट से 2 फुट की हो जाती। तो ये मेरा और अग्नि का स्नेह था जो कि सन 93 से मैं सूर्य को जल दे रहा था और विदाउट फेल दे रहा था, बिना सूर्य को जल दिए कोई चीज नहीं कर रहा था मैं। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने रियलाइज करा कि ये सारी शक्ति या जो भी मुझे कुछ पता चल रहा है वो सूर्य से आ रही है।
तो फिर मैंने जो है उसके बाद जो सूर्य सूक्त और आदित्य हृदय स्तोत्र जो है उसको फिर से अपनी मात्राओं के तौर पर लिखा, और उसको यंत्र स्वरूप मैंने घर के अग्नि कोण में रखा। मैं नहीं समझता उसके बाद मुझे कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आई होगी। तो जो हवन और उसकी प्रक्रिया जो है, जो मंत्र है, उसके अंदर तो सारे रहस्य छिपे हुए हैं, इतने गंभीर रहस्य कि आप अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ सकते हो। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक किताब के सारे अक्षरों को ध्यान से जुड़ते बनते, उसकी पूरी वेरिएशन को देखते हुए, क्योंकि भाषा हर जगह जाने पर अपना स्वरूप बदलती है, लेकिन स्वरूप उच्चारण में बदला जाता है, उसके विशेषणों में बदला जाता है, लेकिन भाषा रहती तो 51 अक्षर की है ना। ये तो नहीं होता ना कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी भाषा के पास में आप जाइए, रशियन वगैरह ये जितनी भी भाषाएं हैं इनके रूट वर्ड सारे के सारे भारतीय संस्कृत के निकले हुए हैं, सारे वर्ड्स, दो चार पांच की बात नहीं कर रहा, जो इनके मूल शब्द है वो सब संस्कृत से निकले हुए हैं। उदाहरण देता हूं, सूर्य का बीज मंत्र सूम था। वो षटकोण वाला से है। सरगम वाला सा, अच्छा, सू और बड़े ऊ की मात्रा। सा सा पे बड़े ऊ की मात्रा और ऊपर अनुस्वार, ये सूम बीज मंत्र था। ओम सूम सूर्याय नमः ऐसे करके मैंने किताबों में टेक्स्ट देखा था, तो ये सूम जो था वो बीज मंत्र दे रखा था। सूम को जरा इंग्लिश में लिखिए, कैसे लिखेंगे? SHUM या SUM? देखिए कैसे लिखेंगे आप, अनुस्वार की मात्रा कैसे लगती है? इंग्लिश में SHUM लिखा मैंने तो। ऐसे चूम नहीं आएगा सर। स की मात्रा अनुस्वार, इसको अगर मैं लिखूंगा तो सू लिखते हैं SU, अनुस्वार लिखा जाता है ऊपर N की मात्रा। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे? SUN सन। इंग्लिश में क्या हो गया? किसी भी अंग्रेज से पूछ लीजिए कि तुम्हारे यहाँ सन आया कहाँ से टर्म, ये इससे अपभ्रंश है। ये पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था, SUN हर जगह है, और ये SUN आया कहाँ से? ये सूर्य के बीज मंत्र, मतलब बीज मंत्र का प्रयोग भूतकाल में होता रहा। ये अंग्रेज जो हैं, ये पीट्स जाति के लोग कहलाते हैं। पीट्स जाति कौन सी है? इनका नहीं एक पता। जगह का नाम भी पिट्सबर्ग या कुछ ऐसे करके उनका नाम भी है उस जगह का, तो हाँ, पिट्सबर्ग। वो पीट्स जाति जो है वो पीट्स जाति मुंह नीला करके चलती थी। ओ हो, वो जो आदिवासी थे वो मुंह नीला करके चलते थे। मुंह नीला क्यों करते थे? क्योंकि शिव विष्णु राम कृष्ण सबके मुंह नीले थे, इसलिए वो मुंह नीला करके चलते थे। जड़ किसी की भी खोद लीजिए, निकलेगा भारत ही। निकलेगा भारत। क्योंकि भारत देश का नाम नहीं है, भारत विश्व का नाम था। इसलिए कह रहा हूं मैं, ये सारी की सारी चीजें तो बहुत आसान है बतानी समझानी, बट ये है कि प्रक्रिया को एक एक करके देखना पड़ता है। जैसे चंड मुंड शुंभ निशुंभ, ये एक ही चैप्टर में सारे आते हैं, इससे लगभग
400-500 बीज मंत्र बनते भी हैं, हम्म, तो मैंने शायद 300 के करीब तो बीज मंत्र आइडेंटिफाई भी करे। जो लेकिन कैसे उन बीज मंत्रों के पीछे का जो उद्देश्य है वो हीलिंग ही है, या फिर जैसे अभी एक वर्ड यूज किया आध्यात्मिक प्रवेश, वो ये है? ठीक है, हीलिंग और आध्यात्मिक प्रवेश जो है वो एक ही पार्ट है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। आप रोज पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? रोज हवन करते हैं, क्यों करते हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने का। आध्यात्मिक ऊर्जा से आप दूसरों के रोग ठीक कर सकते हैं। किसी ने आपके सिस्टम में से ये सारी की सारी चीजें छीन ली, किसी ने आपको आध्यात्मिक प्रवेश, मतलब आध्यात्मिक प्रवेश तक ही सीमित कर दिया। आप अपनी जो भी पूजा करते हैं रोज के रोज, उस मंत्र को रोज ध्यान करने से आप किसी भी व्यक्ति के कोई से भी रोग को ठीक कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वो है। इसलिए किसी ने मंत्रों में छेड़छाड़ कर दी, बोले यार ये तो रोज ही करने बैठ जाते हैं, तो इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने वो मंत्रों में से वो मूल जो गूढ़ अक्षर थे उनको अलग हटा दिया। तो अभी हम आपकी शरण में हैं, तो अभी तो बीज मंत्रों तक हम पहुंच जाएंगे ना? ये तो आप सेकंड वाला वो शुरू ही नहीं कर रहे ना, मैं तो शुरू करने के लिए तैयार बैठा हूं। हाँ, तो बस मेरा तो यही 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 थोड़े से प्रश्न थे कि भाई ये जीवन जो शुरू हुआ वो कैसे हुआ, और तो ये मतलब ये आप पहले, अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो पहले आप ये पूरा पार्ट पढ़िए। जब आप ये पूरा पढ़ेंगे, जो भी टेक्स्ट उसमें दे रखा है प्रश्न उपनिषद के अंदर, वो पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद एक एक प्रश्न का उत्तर करने का फायदा भी है। मैं ही बोलता रहूं और दूसरा सुनता रहे तो उससे प्रैक्टिकल स्टडी हाँ, तो नहीं होगी ना। नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि वो भाषा इतनी जटिल है कि वो उसको ऐसे ऐसे करके पढ़ना पड़ता है फिर वो तो उसको। सिंपल वाले भी हैं, गूगल करिए, बहुत सारे सिंपल वाले मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई ऐसा पार्ट थोड़ी है। ठीक है, तो फिर ऐसा करके तो फिर कोई ना कोई वैसा वो मिल जाएगा, फिर उसमें से देख लेंगे। मुझे लगा तो कि ये चीज अच्छी है तो मैंने ये पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये शंकर भाष्य है, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। बट ये है कि इनमें सब में छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें ना हुई हो। किसी ने हमारे बेसिक अक्षर ही चेंज कर दिए ना, तो जब आप अक्षरों को चेंज कर रहे हो तो ये भी तो देखो कि सामने वाले का कितना गहन अध्ययन होगा हमें बर्बाद करने के लिए। कितना गहन सोचा होगा उसने, कितना डीप रूटेड जाकर गया होगा। ऐसी थोड़ी व्यवस्थाएं, भारत की व्यवस्थाएं तो आसानी से कहाँ खत्म हो जाए। आज मोदी को 10 साल हो गए, अभी भी ये डर बना हुआ था कि कहीं ऐसा ना है कि मोदी की बजाय किसी और की सरकार आ जाए। आदमी कह भी कैसे सकता है ये वाली बात कि मोदी के अलावा किसी और की सरकार, मतलब लोग जो है किसको वोट देने के लिए बारे में सोचेंगे। बट इस देश की व्यवस्था ऐसी है जो बार बार मोदी और मोदी से भी श्रेष्ठ लोगों को जन्म देती रहती है। हेडगेवार जी आए तो उन्होंने आरएसएस का जन्म कर दिया कि मैं 300 वर्षों के अंदर जो है पूरे विश्व को हिंदूमय बना दूंगा, भारत को जागृत कर दूंगा, भारत के जो जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, ये हिंदू राष्ट्र के तौर पर होगा। ये सब सोचने के लिए आपको अपने आप से ऊपर उठना होता है। वो इस देश की विरासत में है, कब कौन आकर कहां, मतलब मेरे जैसा आदमी आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर मूल में तो मेरे गुरुजी है ना, और उनका मूल कहीं ना कहीं माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम से हुआ। तो वो जगह और उस जगह का जो पौराणिक महत्व है, ऐसे करके जो परिवर्तन है वो सदैव चल रहा है। हम तो सिर्फ अपना रोल करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रोल के तौर पे, तो मुझे लगा कि एक बड़ी विलक्षण व्यवस्था बनानी है। भाई आज आप देखो ना कितनी समस्या है कि आदमी को यही समझाना मुश्किल पड़ रहा है कि भाई तू शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, शराब मत पी, इससे क्या होगा? बोले इससे तेरा आध्यात्मिक प्रवेश नहीं होगा, बोले मुझे चाहिए ही नहीं। पर अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं रोज पूजा करूंगा, रोज ऊर्जा आएगी, तो मैं उस ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति के रोगों को कम कर सकता हूं, चाहे वो कितने ही कॉम्प्लेक्स रोग हो। कितनी बड़ी शक्ति हो गई, 25,000 करोड़ का तो अकेला मेडिकल टूरिज्म है, सही बात है। हाँ, और मेडिकल टूरिज्म में हिंदुस्तान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही होता है और कुछ होता ही नहीं।
आप सोचो कि एक पर्टिकुलर व्यवस्था जो मैन ईटर हो गई हो, उस व्यवस्था के बदले एक ऐसी व्यवस्था जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। किसी को यही बात तो विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे पॉसिबल है बिना दवाई खाए हम ठीक हो सकते हैं। इतना ही तो मूल में रह गया, पर वो ही हम हाँ बता देते हैं। बिल्कुल, वही बताता, सही बात है आपकी। मुझे समझने में 6 महीने लग गए। पहले मैंने स्ट्रीम लिखा 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 लिखा, 94 93 डेज, 93 या 4 डेज लिखने के बाद आपको संपर्क किया, भाई मैंने इतना लिखा है। देखिए, श्रीम श्रीम के बिना तो कोई चीज होती ही नहीं, इसीलिए श्रीम बीज मंत्र को हटाया ना। वो एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे क्यों बना? श्रीम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे करते ही मंत्र की ऊर्जा बदल जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई चीज हटा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। संस्कृत वालों के पास में क्या, वहां पे बहस होती थी, वो लोग उस उनका क्योंकि विषय प्रवेश नहीं है, और ऐसा कोई विषय नहीं है जो मुझे नहीं आता हो। वो इत्तेफाक मान लो कि मेरी फॉर्मल क्वालिफिकेशन MBA मार्केटिंग, BSc मैथ्स लॉ, और ये अपना MA संस्कृत, और वो PhD। तो जब मैंने चारों ही सब्जेक्ट, और चाणक्य ये कहता था कि चारों सब्जेक्ट पढ़ने के हिसाब से ही सारी व्यवस्था है। तो जब आप आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति, जब ये चारों चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं और राजकुमारों को अनिवार्य रूप से पढ़ाते हैं, तभी ये व्यक्ति का जो ज्ञान है वो संपूर्ण होगा। तो ये इत्तेफाक हो गया कि जब मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा चल रही थी उसमें मैं उस पूरे पीरियड में मेरे गुरुजी के हिसाब से रहा, और जो वो बोलते गए वो करता गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। और फिर उन्होंने दिमाग भी बढ़ा दिया दवाई खिला के। तो आपके पास अपना जब कुछ नहीं होता तो बड़ी परेशानी होती है, और वो व्यक्ति जब चला जाए तो आपको अकेले छोड़ के, तो बड़ा भयानक बवंडर मचता है अंदर। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये एक बहुत डिफरेंट सा पार्ट है, और इसके पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल है। मैं मतलब एक सेकंड में चीज को प्रकट कर सकता हूं। आप लिखिए वेद, एक वेद लिखिए, टन गोला बना लीजिए, उसमें वेद लिख लीजिए। मैं ऐसे आपके साथ ही ये ऐसे वेद लिखा, और हाँ वेद बोलो लिख बात। के एक गोला बना लिया। अब इस गोले के ऊपर जो है, यहां पर लिख दीजिए ऋग्वेद, यहां लिख दीजिए यजुर्वेद, यहाँ पे लिख दीजिए गांधर्व, ओ सामवेद, और यहाँ पे लिख दीजिए अथर्ववेद। अभी चारों लिखने के बाद ऋग्वेद से बना धनुर्वेद, यजुर्वेद से बना आयुर्वेद, सामवेद से बना गांधर्वेद, अथर्ववेद से बना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब आप देखिए, आयुर्वेद मतलब मेडिसिन, धनुर्वेद मतलब इंजीनियरिंग, गांधर्वेद मतलब जियो ये अपना म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, और अर्थशास्त्र मतलब जियो पॉलिटी इकोनॉमी, और वेद जो है वो होती है भाषा। तो पांचवा सब्जेक्ट हो गया भाषा। एक भाषा को धारण करके आप किसी भी व्यक्ति को आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स और अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट का ज्ञाता बना सकते हैं। पांचवा सब्जेक्ट भाषा ही है। ये हमारी वैदिक विरासत थी कि आप पांच विषयों को एक साथ पढ़ा सकते हो एक व्यक्ति को। अगर आज आप डॉक्टर हो तो आपको इंजीनियरिंग नहीं पता, अगर इंजीनियरिंग पता है तो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स नहीं आता, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स आता है तो जियोपॉलिटी इकोनॉमी नहीं पता। तो किसी व्यक्ति ने हमारे यहाँ शिक्षा का ऐसा चिंतन करा जिसका स्वरूप जानने के बाद आप
हर चीज में दक्ष हो जाते हैं, हर चीज में। ये हमारा मूल स्वरूप था। आज आप मुझे एक बंदा दिखाना जो वेद का वैज्ञानिक हो और जो इसी तरह से सारी चीजों को प्रकट करे। ये इतना तक तो कर नहीं पाए कि ये सामवेद में इतने मंत्र अथर्वेद के हैं। भाई अथर्वेद में, वो सामवेद में अथर्वेद के मंत्र कर ही क्या रहे हैं, क्यों? ये इतने छोटे से चीजों के ऊपर तो प्रश्न नहीं कर पा रहे। और वैसे सब संस्कृत के विद्वान हैं, तो मैं तो साधारण संस्कृत के तौर पर समझ पाया, जितना समझ पाया उस स्ट्रक्चर को मैं लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ। वो मुझे विषय प्रवेश बताना शुरू कर देते हैं जब मैं बात करता हूँ कि जी ये सब्जेक्ट इसका नहीं है, ये सब्जेक्ट इसका है। मैंने भाई सब्जेक्ट का मूल क्या है? फिर मैंने उसके बाद अगले दिन लिखा ये वेद जो है उसमें मैंने लिखा वेद, संपूर्ण वेद होता क्या है? संपूर्ण वेद होता है 18, जो ये चार वेद, चार उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, उसके बाद उपनिषद, और उसके बाद आखिर में नाट्य शास्त्र। ये सबको मिलाकर जो है वो संपूर्ण वेद बनता है। मैं जड़ी खत्म करो समस्या की, क्योंकि आर्य समाज का करता है वो बोलता है नहीं जी वेद अलग है पुराण अलग है। अरे भाई वेद और पुराण अलग कैसे हो गए? वो कौन सी शक्ति आई जिसने वेद और पुराणों को अलग अलग कर दिया? तुम्हें खुद तो वेद पता नहीं, तुम दुनिया को ये बता रहे हो कि वेद और पुराण अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो मुझे बताओ ना कि भाई सामवेद के अंदर अथर्वेद के मंत्र कर क्या रहे हैं? सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र लगे हुए हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? बोले जी आपके फिजिक्स में केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अरे भाई फिजिक्स में केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है? फिजिक्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। सब्जेक्ट की परिभाषा ही खत्म हो गई। तो ये समस्याएं हैं हमारे उस धार्मिक स्ट्रक्चर की जो सिर्फ बैठकर एक काम को सतत वर्षों तक करते जा रहे हैं, उसमें बुद्धि लगाई नहीं रहे, क्योंकि आपके लिए वो रिचुअल है, मेरे लिए वो जीवन है। मैं अगर सूर्य को रोज जल चढ़ा रहा हूं तो रोज मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, सिर्फ पानी फेंक कर जो है मेरा सूर्य को अर्घ देना पूरा नहीं होता, या उसके मंत्र अगर बोल दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वैचारिक संबंध होना चाहिए। तो आप जब हवन करते हैं कभी अग्नि से पूछिए कैसे हैं आप, नमस्कार, आपको आज अलग अलग रंगों में देख के बड़ी खुशी हुई। जब ये छोटे छोटे प्रश्न करने शुरू हुए देखिए अग्नि का रंग और उत्साह कितना बदल जाता है। पूजा में जान आनी चाहिए, जान जो है वो सामने वाले को जीवित तो मानिए। ये मूल समस्याएं हैं। ठीक है जी, बंद करें अब क्लास, आज मेरे को